नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएचपी लूप्स। लूप्स है वो हमने सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़े हैं, C++, .NET, जावा। पीएचपी में भी बिल्कुल वैसे ही लूप्स होंगे। जब हम कोड लिखते हैं और हम चाहते हैं कि एक सेम ब्लॉक कोड है उसको हमें बार बार रन करवाना है, अगेन एंड अगेन, ठीक है, वो 10 बार भी हो सकता है, 20 बार, 100 बार या 1000 बार, तो उसको इंस्टीड ऑफ एडिंग सेवरल टाइम्स, या तो हमें क्या करना, 10 बार रन करवाना है तो उसका कोड 10 बार लिखेंगे, इससे हमारी कितनी ज्यादा मेहनत होगी, कोड भी ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसको एक इफेक्टिव वे में करने के लिए लूप्स को बनाया गया। लूप्स में क्या होगा कि उस कोड को हम, जिसको 10 बार, 100 बार या 1000 बार रन करवाना है, उसका कोड एक बार ही लिखेंगे लेकिन लूप के अंदर लिखेंगे, तो इससे हमारी बहुत सारी मेहनत बच जाएगी। तो लूप्स है वो काम में आते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए सेम ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन। पीएचपी के अंदर हमारे पास लूप्स हैं, उनके टाइप हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एक स्पेसिफाइड कंडीशन होती है, जब तक वो ट्रू होगी तब तक वो कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब व्हाइल के अंदर हमें ये नहीं पता है पहले कि कितनी बार करवाना है, 5 बार, 10 बार या 100 बार, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ये है कि कंडीशन दे दी हमने कि जब तक ये कंडीशन वो ट्रू होती रहेगी तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसके बाद में दूसरा टाइप है वो है डू व्हाइल। डू व्हाइल में क्या होता है, बिल्कुल व्हाइल की तरह होता है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन व्हाइल में क्या करते हैं, हम पहले कंडीशन चेक करते हैं उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, मान लो पहली बार में कंडीशन फॉल्स होगी तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है, पहले हम उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं और कंडीशन बाद में चेक करते हैं, तो इससे क्या होगा, मान लो पहली बार में कंडीशन फॉल्स होगी तो भी वो कोड एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। इसके बाद आता है फॉर लूप। फॉर लूप में हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, हमें पहले से पता है कि इसको 10 बार करवाना है या 100 बार करवाना है, तो एक स्पेसिफाइड नंबर है उतनी बार उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। उसके बाद आता है फॉर ईच। फॉर ईच में क्या रहता है, जैसे अभी हमने व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर देखा, इनमें क्या होता है कि एक इंडेक्स चलता है उसके साथ में, कि ए है उसका 0 इंडेक्स पर क्या डेटा है, 1 पर क्या है, 2 पर क्या है, इस तरह से, ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ए की। फॉर ईच के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंडेक्सिंग है वो 0, 1, 2, 3 नहीं होता है, उसके अंदर एक की होता है, स्पेशली हम उसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, जैसे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इस तरह से। एक तरह से मान लीजिए क्लास के अंदर रोल नंबर हो गए, बच्चों के रोल नंबर से हम अटेंडेंस ले सकते हैं। अब मान लीजिए क्लास में बच्चों के रोल नंबर नहीं है तो लेना है तो क्या, नाम से अटेंडेंस लेंगे। तो इसी तरह फॉर ईच में क्या होता है कि कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें नेम रहते हैं उनके, और नेम से हम एक्सेस कर सकते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे आगे। सबसे पहले हम व्हाइल लूप देखते हैं।
तो वाइल लूप में क्या है, जब तक ये स्पेसिफाइड कंडीशन है वो ट्रू है तब तक ये एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक ऑफ कोड को। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहता है, वाइल कंडीशन इज ट्रू कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जांपल देखते हैं, पीएचपी का जो कोड है वो हम लिखते हैं एचटीएमएल कोड में, तो एचटीएमएल बॉडी इस तरह से एचटीएमएल का कोड रहता है, और जो एचटीएमएल कोड के अंदर पीएचपी लिखना है तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये यहां से इसका टैग ओपन हो गया, और जब क्लोज करना है तो क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन, ये भी इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब पीएचपी कोड में क्या लिखेंगे, डॉलर ए इक्वल टू वन, तो डॉलर ए क्या है, स्मॉल ए एक वेरिएबल है यहाँ पर। अब पीएचपी में एक चीज और याद रखना है कि यहाँ पर वेरिएबल है उसका डेटा टाइप हमें बताने की जरूरत नहीं है, जिस टाइप का डेटा हम उसमें असाइन करेंगे उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा। तो हम डॉलर ए सिंपली डॉलर सिंबल लिखते हैं और वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसका डेटा टाइप नहीं बताते हैं, डॉलर ए इक्वल टू वन, तो ए की वैल्यू वन हो गई। व्हाइल में कंडीशन क्या चेक करेंगे, जब तक हमारा डॉलर ए है उसकी वैल्यू कम है या बराबर है 10 तक, तब तक वो चलेगा, तो एक से चालू होगा तो एक से लेके 10 तक चलेगा, 10 इसके बराबर आ गया तब तक चलेगा, 11 इससे बड़ा हो गया तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा। अब इसमें इको में क्या कर रहे हैं, इको हम कर रहे हैं जैसे प्रिंट होता था उसमें, प्रिंट आउट होता था सी में, सी आउट होता था सी प्लस प्लस, वैसे इको यहाँ काम ले रहे हैं हम प्रिंट करवाने के लिए, तो यहाँ प्रिंट भी लिख सकते हैं हम, प्रिंट भी रहता है इसका कीवर्ड और इको भी रहता है। इको में रहेगा द नंबर इज डॉलर ए, तो डॉलर ए कहाँ से चालू हुआ, वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक, टेन इक्वल टू टेन यहाँ तक कंडीशन चल रही है। अब जैसे आगे हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है एक से तो इलेवन होगा, इलेवन यहाँ आएगा, इलेवन होते क्या कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, ये इस तरह से इसका आउटपुट रहेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। इसको हम समझ सकते हैं कि डॉलर ए में कितनी आई पहले, वन आई, इसको हमने इनिशियलाइज किया, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं हम काउंटर बोलते हैं इस वेरिएबल को, और इसको काउंटर को स्टार्ट किया हमने वन से, अब ये चलेगा लेस देन इक्वल टू टेन तक, जब तक कि हमारा डॉलर ए लेस देन और इक्वल टू टेन, मतलब या तो छोटा रहेगा दस या बराबर रहेगा, तब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती रहेगी। और डॉलर ए प्लस प्लस, इसमें क्या करेंगे, हर एक बार एक से हम इंक्रीमेंट करेंगे। अब नीचे एक एग्जांपल और देखते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, पांच की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, एचटीएमएल बॉडी लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी डॉलर ए, इसको हमने स्टार्ट किया जीरो से, और इसको हम कब तक करेंगे, 50 तक, लेस देन 50 या इक्वल टू, और यहाँ पर इंक्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वो 5 से कर रहे हैं, क्योंकि 5 की टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। इसका आउटपुट इस तरह से रहेगा 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ये 50 तक आ जाएगा। बिल्कुल पिछला एग्जांपल देखा वैसा ही, डॉलर ए को इनिशियलाइज करना 0 से कर दिया, ये हमारा काउंटर है, कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 50 तक, और हर बार हम इंक्रीमेंट कितने से करेंगे, यहाँ ये गलत हो गया है, यहाँ देखिए 5 से हम इंक्रीमेंट करेंगे इसको, यहाँ पर 10 नहीं है, 5 होगा, यहाँ पर देखेंगे ना 5 से किया हमने इंक्रीमेंट, ये देखिए यहाँ से, तो हर बार 5 से बढ़ता जाएगा। डू वाइल लूप पीएचपी के अंदर, डू वाइल वाइल की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, कंडीशन हम बाद में चेक करते हैं, कोड को पहले एग्जीक्यूट करवा देते हैं, इसका मतलब डू वाइल है वो कम से कम एक बार तो हमेशा कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही, अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स हो गई तो भी एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, क्योंकि कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं। सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहता है, डू और यहां पर ये हमारा कोड रहेगा जो एग्जीक्यूट कराना है, और वाइल कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं। अब यहां पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, डॉलर ए इक्वल टू 1 डू, और यहाँ पर हमें इसको प्रिंट करवाना है नंबर डॉलर ए, ए प्लस प्लस लेस देन इक्वल टू 10, ये आउटपुट आएगा 1, 2, 3, 10 तक, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया,
तो यहाँ चेक कितना हुआ, फिर टू से चेक हुआ। इस तरह से यहाँ पर टेन आया, टेन को प्रिंट कर दिया, फिर इंक्रीमेंट किया इलेवन, तो इलेवन क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स, बड़ा हो गया टेन से, तो टेन तक चलेगा ही। इस तरह का आउटपुट है। जैसे मैंने बताया डू व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन है वो टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप। दिस मींस दैट द डू व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, जैसे यहां नीचे हम एग्जांपल देखते हैं, यहां पर मैंने क्या किया, डॉलर ए इक्वल टू 11, 11 इसमें वैल्यू साइन की, और यहां मेरी कंडीशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो रही है। लेकिन कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं, इसको हमने इको करा के प्रिंट तो पहले करवा दिया, तो ये 11 तो पहले प्रिंट हो गया, कंडीशन तो फिर वैसे भी फॉल्स ही होनी है, 10 तथा तब भी फॉल्स हो जाती है, तो 11 से 12 हो जाएगा, फिर 12। ठीक है, तो ये प्रिंट कर रहा, तो एक बार तो प्रिंट हो गई, चाहे अपनी कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो जाए, ये अपना डिफरेंस रहेगा व्हाइल और डू व्हाइल में। ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा। अब फॉर लूप, फॉर लूप हम काम में ले लेते हैं जब हमें पहले से पता होता है कि कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है हमें किसी कोड को। इसका सिंटैक्स इस तरह से रहता है, पहले हम इनिशियलाइज करते हैं काउंटर को, अब व्हाइल में क्या करते हैं, इनिशियलाइज अलग से कर रहे थे, फिर उसकी टेस्टिंग कर रहे थे व्हाइल लूप में, और फिर इंक्रीमेंट अलग से कर रहे थे। इसमें फॉर लूप में क्या, एक जगह सारा काम कर दिया हमने, यहाँ इनिशियलाइज किया, यहाँ टेस्टिंग की, और यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से सिंटैक्स रहेगा पीएचपी में। फॉर लूप में डॉलर ए इक्वल टू 0, 0 से हमने इनिशियलाइज किया काउंटर को, डॉलर ए लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, डॉलर ए प्लस प्लस कर दिया, और डॉलर ए को प्रिंट कर दिया। ये हमारा आउटपुट आ गया 0 से लेके 10 तक। ये हमारा एक्सपेंशन है एग्जाम्पल का, डॉलर ए इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दिया लूप काउंटर को, डॉलर ए लेस देन इक्वल टू 10, कंटिन्यू द लूप एज लॉन्ग एज डॉलर ए इज लेस देन और इक्वल टू 10, डॉलर ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट द लूप काउंटर वैल्यू बाय 1। अब हम इसको यूज करके, फॉर लूप को यूज करके 5 की टेबल प्रिंट करवाते हैं, तो डॉलर ए को 0 से इनिशियलाइज किया, डॉलर ए लेस देन इक्वल टू 50, डॉलर ए प्लस 5, तो हर बार 5 से हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा आउटपुट किस तरह से आएगा, 0 5 10, 5 से इंक्रीमेंट हो जाएगा हर बार, और 50 पर आकर रुक जाएगा। ये कंडीशन है 50 के बराबर आती प्रिंट होगा, जैसे अगला इंक्रीमेंट 55 आएगा, 5 इंक्रीमेंट हो गए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसकी प्रिंट नहीं करेगा, तो हर बार हम 5 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फोर ईच लूप में जैसे होता है, उसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है, इसमें की होती है और उसकी वैल्यूज होती है, तो इसमें वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ नाम दिया रहता है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है, फॉर ईच डॉलर ए एज डॉलर वैल्यू, तो यहाँ पर कुछ नाम रहेगा और यहाँ कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, हम इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हमने एक एरे बनाया डॉलर कलर्स, तो कलर्स क्या है, एक एरे है, अब इसमें ग्रीन रेड ब्लू और येलो, ठीक है, चार हमारी क्या है, की है इसके अंदर, ग्रीन रेड ब्लू येलो, और हम इसको प्रिंट करा रहे हैं डॉलर कलर सेट डॉलर वैल्यू, और डॉलर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये डायरेक्टली क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, देखो ग्रीन रेड ब्लू और येलो, चार वैल्यूज थी और चार वैल्यूज प्रिंट करवा दी हमने, इसमें न कोई इंक्रीमेंट लगाया न और कुछ किया हमने। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें तो ये तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज डाली थी, चार कलर डाल दिए थे, यहां पर की हमने बताया नहीं था। अब यहां पर हमने क्या किया है, राम की वैल्यू डाली है 5, श्याम की 7 और हरि की 10, एक तरह से मान लीजिए रोल नंबर रहेंगे, तीन बच्चों के, तो रोल नंबर प्रिंट करवाने हैं डॉलर ए और डॉलर वैल्यू, यहां प्रिंट कर देंगे हम कि राम के रोल नंबर कितने हैं 5, श्याम के 7 और हरि के 10 है।
अब पीएचपी के अंदर हम ब्रेक और कंटिन्यू भी यूज करते हैं, जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेज में काम ले रहे हैं, पहले हम ब्रेक को समझते हैं। ब्रेक में क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक करते हैं हम, तो वो जो हमारा लूप है या स्विच है उसके बाहर हम जंप कर देते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं, जो हमारा ब्लॉक है उसके बाहर निकल जाते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, डॉलर ए इक्वल टू जीरो, डॉलर ए लेस देन टेन, डॉलर ए प्लस प्लस। इफ डॉलर ए इक्वल टू फाइव देन ब्रेक। तो जैसे ए की वैल्यू फाइव आएगी तो हमने लूप क्या चलाया, जीरो से लेकर टेन तक चलाया, लेस देन टेन तक, और एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब नो तक तो हमारा ये चलना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया बीच में ये किया, अगर फाइव आ जाता है तो हमें बाहर निकलना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर तक चलेगा और फाइव आते ही इससे बाहर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाते तो ये क्या होता, नाइन तक चलता, लेकिन हमने क्या किया जैसे फाइव आएगा ब्रेक कर देना, इससे बाहर निकल जाना लूप से, तो लूप से हम बाहर निकल गए। तो यहाँ पर आउटपुट हमारा नौ तक आता है जीरो से लेके, जबकि ये चार तक आया, पांच आते ही बाहर निकल गया। कंटिन्यू, अब ब्रेक में तो क्या हो रहा था कि वो उस लूप से या स्विच से ही पूरा बाहर निकल गया था। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में क्या करेगा, वो जो एक स्टेप है उसको स्किप कर देगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू यूज करते तो ये क्या होता, एक जीरो एक दो तीन चार तक प्रिंट करता, फिर पांच गायब हो जाता, पांच तो स्किप कर देता और फिर छह सात आठ नौ प्रिंट कर देता आगे। आगे वाले एग्जांपल में हम देखते हैं, देखिए बिल्कुल वही एग्जांपल है, लेकिन हमने यहाँ ब्रेक की जगह क्या कंटिन्यू लिखा है। कंटिन्यू लिखने से क्या होगा, जीरो वन टू थ्री फोर, फाइव है हमारा स्कीप हो गया, सिक्स सेवन एट नाइन आगे की काउंटिंग आ गई, ठीक है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस है। ब्रेक क्या करेगा, फोर या स्विच जिस भी लूप के अंदर या ब्लॉक के अंदर लगा रहे हैं उसके बाहर निकल जाएगा, और कंटिन्यू क्या करता है, सिर्फ जो एक कंडीशन दे रहा है उसको स्कीप करता है, और वो लूप है या स्विच है वो इटरेशन वो चालू रहेगा उसका। व्हाइल लूप के अंदर ऐसे काम ले लेते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू को देखिए, डॉलर ए इक्वल टू जीरो, व्हाइल ए लेस देन टेन, इफ ए इक्वल टू फाइव देन ब्रेक, पांच आते ब्रेक कर देना है, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो वन टू थ्री फोर, पांच में बाहर ही निकल गया। कंटिन्यू अगर यूज करते हैं तो कंटिन्यू में क्या होगा, जैसे मैंने बताया एक स्टेप को स्कीप करेगा बाकी तो चलेगी, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव गायब हो जाएगा, फिर सिक्स सेवन एट नाइन, ये फाइव गायब हो गया और नाइन तक चला, ठीक है। तो ये पीएचपी के अंदर हमारे लूप थे जिसमें हमने पढ़ा व्हाइल डू व्हाइल फोर और फोर इंच और साथ में ब्रेक और कंटिन्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई आपके सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।